हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज थिएटर में एक बार फिर से, वेयर द नॉलेज इज क्यूरियोसिटी। दोस्तों, आपने पावर बैंक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, उसके साइज़ और शेप के अकॉर्डिंगली बहुत से लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, किस तरह उसको कैरी किया जाए, किस तरह उसको संभाल के रखा जाए। तो जिन जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पावर बैंक को कैरी करने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्मार्ट जैकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे, स्मार्ट जैकेट क्या है, ये जैकेट स्मार्ट कैसे हो सकती है? जी हाँ, ये जैकेट स्मार्ट ही है, क्योंकि ये आपके फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर देगी और आपका जो भी फ़ोन होगा उसको 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगी, मीन्स उसकी बैटरी 100% कर देगी। इसको बनाया है एक कंपनी ने, जो कि उथा जो जगह है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ की एक कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें 3000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी को यूज़ किया गया है और 3 वोल्ट की सप्लाई को यूज़ किया गया है, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो जैकेट में फिट की जाएगी। और इससे हम फ़ोन को बहुत ही सिक्योरली चार्ज कर पाएंगे और इससे बैटरी को भी कोई ख़तरा नहीं होगा, ये कंपनी का कहना है। इस जैकेट को हम कहीं पे भी पहन सकते हैं, जैसे कि हमने कोई एक्टिविटी करनी होती है, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी होती है, जैसे कि स्नो क्लाइंबिंग, स्काइंग, स्नोबोर्ड, लॉन्ग क्लाइंबिंग और भी बहुत सारे जो फन एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उसको भी हम आराम से कर सकते हैं इस जैकेट को पहनते वक्त। और इससे कोई खतरा भी रहता है और यूज़ भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम फ़ोन को अपनी जैकेट में डाल लेते हैं और फ़ोन वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाता है और इसका जो आसपास की कंडीशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आइए अब बात करते हैं कि पावर बैंक को कहाँ पर फिट किया जाता है इस जैकेट में। जी हाँ, पावर बैंक को एकदम लोअर मोस्ट पोजीशन, जो कि जैकेट की होती है, वहाँ पर फिट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी इस जैकेट को पहनेगा उसको भी आसानी रहेगी और मेनली ये कस्टमर की इनकन्वीनियंस को भी कम कर देगा और ये बैटरी को जल्दी लो नहीं होने देगा, क्योंकि ये साथ साथ में ही चार्ज करता रहेगा। और इससे हमें एक और बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारी जो इम्पोर्टेंट कॉल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे काम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉल्स होती हैं, उसको भी हम आसानी से अटेंड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो जैकेट है ये वायरलेस चार्जिंग के ऊपर काम करेगी, तो हम वही फ़ोन चार्ज कर पाएंगे जिनके अंदर ये फंक्शन है कि वो वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं। आईफोन्स के अंदर जैसे कि iPhone 8, iPhone 8 Plus, जो वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं, और सैमसंग के अंदर जो सैमसंग की सीरीज आई थी S6, वो भी वायरलेस से चार्ज हो सकती है। तो इस तरह के फ़ोन्स को हम इस जैकेट के साथ चार्ज कर पाएंगे और कंपनी ने कहा है कि हम इस जैकेट को सितंबर 2018 मींस इसी साल लॉन्च करेंगे, ब्लैक AC और आर्टिकल सिल्वर कलर में। जो इसकी इनिशियल कॉस्ट मानी जा रही है वो है $249। और जो हमारी दूसरी टेक अपडेट है वो है वर्ल्ड थिनेस्ट ऑटोमेटिक वॉच, मीन्स साथ की सबसे पतली घड़ी, इसको लॉन्च किया है पियागन कंपनी ने। उन्होंने इसके जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसको इतना कम रखा है कि इसने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसकी मोटाई लगभग 4.30 mm है और इसका जो पूरा नाम है वो है पियागेट Altiplano ऑटोमेटिक वॉच। इसकी एक खासियत और है कि इसको 22 कैरेट के सोने से बनाया गया है और इसमें 30 अलग अलग तरह के डायमंड्स को यूज़ किया गया है, जो कि इसको और भी खास बना देते हैं। इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग $27,000, मीन्स के 17,21,000 रुपये है। और इसमें 219 बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स को यूज़ किया गया है एक ही सिंगल यूनिट में इसको बनाने के लिए। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि इस घड़ी की जो आउटर अपीयरेंस के ज़रिए ही हम वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स को इसमें यूज़ किया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये जो घड़ी है वो हमारे 3 साल के कड़े संघर्ष का रिजल्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें बहुत ही स्मॉल पार्ट को यूज़ किया गया है, जो कि लगभग 0.12 mm के हैं। और इसका जो डायामीटर है, इस घड़ी का जो डायामीटर है वो है 40 mm। और जो घड़ी है वो मैकेनिकल मूवमेंट्स के ऊपर काम करेगी। और जो हमारी तीसरी टेक अपडेट है वो है टोयोटा के द्वारा, उन्होंने एक न्यू व्हीकल जिसको उन्होंने कहा है iRoad, उसको लॉन्च किया है। इसको हम हाफ मोटरसाइकिल और हाफ कार भी कह सकते हैं।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाफ मोटरसाइकिल हाफ कार ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। टोयोटा ने इस व्हीकल को ऐसा बनाया, ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये आधा कार की तरह और आधा मोटरसाइकिल की तरह दिखाई देता है। ये जो व्हीकल है वो बैटरी सिस्टम को काम करेगा। तो अगर हम इसकी बैटरी को 100% चार्ज कर देंगे तो 50 किलोमीटर तक हम इसको चला सकेंगे। और अगर इसकी बॉडी के बारे में बात की जाए तो क्या है कि एक टायर जो है वो बैक साइड पे और दो टायर को फ्रंट साइड पे लगाया गया है। अगर हम इस व्हीकल को चलाएंगे तो एक और भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी, क्योंकि जब हम टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल एक बाइक की तरह दिखाई देगा और इसके जो व्हील्स हैं वो ऊपर नीचे स्विंग होते रहेंगे। यही इसकी खास बात है। तो ये थी टेक अपडेट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल नॉलेज थिएटर को, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अंत में बेल आइकन को दोबारा मत भूलिए अगर आपको चाहिए हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।